नमस्कार, मैं हूं पूजा चौरसिया आपके साथ और आप देख रहे हैं टीवी 100। हमारे खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। कोरोना पर कब लगेगा लॉकडाउन? जी हां, उत्तराखंड में कोरोना बेकाबू होता दिख रहा है। रोजाना हजारों लोग कोरोना से संक्रमित हो रहे हैं। प्रशासन ने देहरादून, पौड़ी और नैनीताल में 3 मई तक पूर्ण रूप से घोषणा कर दी है लॉकडाउन की। इसी पर देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। बढ़ते संक्रमण को देखते हुए प्रशासन का सख्त निर्णय। देहरादून, पौड़ी और नैनीताल में 3 मई तक कर्फ्यू। तमाम लोगों में बनी असमंजस की स्थिति। शाम 4 बजे तक खुलेंगी सब्जी, डेयरी और राशन की दुकानें। राज्य में बड़ी संख्या में लोगों की लापरवाही और उससे बढ़ते संक्रमण को देखते हुए जिला प्रशासन को सख्त निर्णय लेना पड़ा है। देहरादून, पौड़ी और नैनीताल के जिला प्रशासन ने इन जिलों में आज 26 अप्रैल शाम 7 बजे से 3 मई तक संपूर्ण कोरोना कर्फ्यू की घोषणा कर दी और इस घोषणा के बाद लोगों में असमंजस की स्थिति बन गई। लोग इस बात को लेकर परेशान हो गए कि एक हफ्ते में वो अपनी जरूरत का सामान कहाँ से खरीदे। लेकिन इससे आम जनता को घबराने की जरूरत नहीं है। जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि लोगों को जरूरत का सामान मिलता रहेगा। आदेश के मुताबिक इस दौरान निजी वाहनों की आवाजाही पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगी। इस अवधि में सब्जी, फल, डेयरी और राशन की दुकानें शाम 4 बजे तक ही खुलेंगी। हालांकि पेट्रोल पंप, गैस आपूर्ति और दवा की दुकानें पूरे समय खुलेंगी। उत्तराखंड सरकार ने कोविड-19 के बढ़ रहे प्रकोप को देखते हुए रोकथाम के लिए कर्फ्यू या अन्य कड़े कदम उठाने के लिए जिला अधिकारियों को अधिकृत किया था। राज्य में रविवार को भी कोविड के 4,368 नए मामले सामने आए, जबकि 44 मरीजों ने महामारी से अपनी जान गंवा दी। प्रदेश में कोरोना संक्रमित की संख्या 1,51,801 हो गई है, जबकि अब तक 2,146 लोग दम तोड़ चुके हैं। वहीं प्रदेश भर में एक्टिव मरीजों की संख्या 35,864 हो गई है और 1,10,664 मरीज इलाज के बाद ठीक हो चुके हैं। इसी बीच सीएम तीरथ एक हाई लेवल बैठक करने वाले हैं। बैठक में महामारी के हालातों को लेकर मंथन हो सकता है और कोई चौंकाने वाला फैसला भी सामने आ सकता है। माना जा रहा है कि सूबे में कंप्लीट लॉकडाउन की घोषणा भी संभव है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी 100। तो कोरोना की वजह से प्रदेश भर में हाहाकार मचा हुआ है। लगातार बेकाबू हालात को देखते हुए देहरादून, पौड़ी और नैनीताल में 3 मई तक लॉकडाउन की घोषणा कर दी गई है। हालांकि इस दौरान आवश्यक वस्तुओं के दुकानें खुली रहेंगी, आवश्यक सेवाओं के लिए आवागमन भी जारी रहेगा। लेकिन पुलिस लॉकडाउन का सख्ती से पालन करने के लिए कमर कस चुकी है। सड़कों पर, वाहनों पर आपको पुलिस की सख्ती दिखाई देगी। आज शाम 7 बजे से 3 मई सुबह 5 बजे तक लॉकडाउन रहेगा इन 3 जिलों में। लेकिन सवाल इस बात का कि जिस तरह से कोरोना पहाड़ पर बेकाबू हो रहा है, लगाम लगाने के लिए क्या कुछ तैयारी शासन प्रशासन की तरफ से की जा रही है? आखिर सिस्टम कितना दुरुस्त है? इन आंकड़ों से और मरीजों की हो रही मौतों से आप अंदाजा लगा सकते हैं। क्या लॉकडाउन लग सकता है उत्तराखंड में पूरी तरीके से, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल गंभीर हालात को देखते हुए इसी पर चर्चा करने के लिए बीजेपी प्रवक्ता नवीन ठाकुर जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है नवीन जी टीवी 100 पर आपका। नवीन जी, सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहती हूं कि क्या सिस्टम पूरी तरीके से तैयार है? जिस तरह से महामारी अपना रूप दिन ब दिन बदलती जा रही है, अब ऐसे में क्या कुछ तैयारी आपकी तरफ से है, क्योंकि हालात खराब हो चुके हैं? सरकार और संगठन दोनों इस महामारी से लड़ने के लिए जिस प्रकार हमने पहली लहर से विजय प्राप्त की और पूरे संघर्ष के साथ जो है हमारी पार्टी और हमारे कार्यकर्ता इस महामारी से लड़े, उसी प्रकार हम दूसरी बार भी तैयार हैं।
लेकिन मेरा आम जनता से भी आपके लोकप्रिय चैनल के माध्यम से निवेदन है कि बिना जनता के सहायता के और बिना आपके सहयोग के इस महामारी पर काबू नहीं पाया जा सकता। तो बेवजह जो है लोग घर से ना निकले, और देखने में आया कि जैसी एक लहर थोड़ा धीमी पड़ी लोगों ने लापरवाही शुरू कर दी, हमने लापरवाही शुरू कर दी बिना मास्क के। लापरवाही सामने नहीं आई है नवीन जी? नहीं, सिस्टम की लापरवाही तो कुछ जगह कह सकते हैं आप, लेकिन हर जगह सिस्टम की लापरवाही सामने नहीं आई। सिस्टम अगर ज्यादा सख्त होता है तब भी जो है जनता को ही दिक्कत होती है, और सिस्टम अगर फेल हो जाए तो मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि जनता से अपील कर रहा हूँ, हम लोगों को भी सावधानी बरतनी चाहिए, पुलिस प्रशासन का सहयोग करना चाहिए ऐसे समय में, और जो जरूरी एहतियात है उनको जो है हमको पालन करना चाहिए, सरकार के नियमों का जो है पालन करना चाहिए। तो इन सब से मिलकर और हम सब साथ मिलकर इस महामारी से लड़ेंगे, और जिस प्रकार हमने पहली लहर को रोका और उसको समाप्त किया, उसका सामना किया, उसी प्रकार दूसरी लहर को भी हम जो है सामना करेंगे। लेकिन नवीन जी, पहली लहर से मुझे नहीं लगता कोई सबक लिया गया, अगर सबक लिया गया होता तो अस्पताल में व्यवस्थाएं दुरुस्त की गई होती। देखिए कहीं ऑक्सीजन की कमी हो रही है, कहीं पर बेड नहीं है, जिसकी वजह से लोगों की जान जा रही है। देखिए पहली लहर जो थी उसमें अगर पूरे भारत की बात करें तो 90,000, 96,000, 97,000 और मैक्सिमम जब लहर पीक पे थी तो 1,00,000 प्रतिदिन जो है मरीज कोविड के आ रहे थे। आज वो 3.5 लाख संख्या पहुंच गई है, 3.5 गुना पहुंच गई है। आप इस बात का जो है आंकड़े देखिए, पहली लहर का सामना करने के लिए ही जब खाली उत्तराखंड पहली लहर में 97,000 से ज्यादा मामले सामने आए थे, 1,00,000 तक आंकड़ा नहीं पहुंचा था नवीन जी, मैं आपको ये बता दूं। और दूसरी लहर को लेकर लगातार साइंटिस्ट और डॉक्टर्स लगातार चेतावनी दे रहे थे कि दूसरी लहर बहुत ज्यादा खतरनाक स्थिति में आ सकता है। अब ऐसे में तमाम चेतावनी के बाद भी हमने सबक क्या लिया, ये बड़ा सवाल है। नहीं, सरकार के स्तर पर तो बहुत तैयारियां थी, और अगर इतनी तैयारियां नहीं होती तो इतनी बड़ी महामारी का सामना नहीं कर सकते थे। आप दूसरे देशों की अपेक्षित भारत ने फिर भी जो है बहुत हिम्मत के साथ और बहुत उसके साथ जो है इसका मुकाबला किया है। अपने सीमित संसाधनों के बावजूद इतनी भारी संख्या को जो है हमने इतनी चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराई, ये विश्व के अन्य देशों के अगर आप आंकड़े देखेंगे तो भारत उसमें सबसे बेहतर होकर जो है उभर रहा है, चाहे वैक्सीनेशन का मामला हो, चाहे जो है और अन्य कोई मामले हो। और इसको लेकर भी सरकार ने भूल रहे नवीन जी, विश्व रिकॉर्ड बना रहा है भारत कोरोना के मामलों में। लेकिन आप आंकड़े देखिए ना, जनसंख्या कितनी है भारत की, जनसंख्या के अनुपात में देखिए आप। नहीं तो आप क्या चाहते हैं कि पूरी की पूरी जनसंख्या कोरोना की चपेट में आ जाए? जनसंख्या देखिए, क्या जनसंख्या देखे, जब लगातार फटकार लगाई जा रही है हाईकोर्ट की तरफ से, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बार बार चेतावनी दी जा रही है, आपसे पूछा जा रहा है कि आपकी प्लानिंग क्या है। प्लानिंग सुनिए ना आप जी, आप एक के बाद एक छोपे जा रहे हैं। जनसंख्या मैं कह रहा हूँ, जब आप जनसंख्या की बात कर रहे हैं, पैनिक की बात कर रहे हैं, तो मैं आपको गिना रहा हूँ। आज भारत में मृत्यु दर 1 लाख 13 है, अमेरिका में कितनी मृत्यु दर है, इटली में 195 है, आप उनको क्यों नहीं देखते हैं? पैनिक किसी चीज को जितना पैनिक करने की जरूरत नहीं है, हम जो है पूरे जितने हमारे संसाधन है उसके साथ काम कर रहे हैं और अपनी जनता की सेवा के लिए लगातार कर रहे हैं। कांग्रेस की सरकार में उत्तराखंड में इस पहली लहर से पहले कितने अस्पतालों में आईसीयू थे, केवल 3 अस्पतालों में आईसीयू थे। राजनीति करने से बात नहीं आएंगे आप लोग, भारत का हिस्सा नहीं है क्या महाराष्ट्र, जहाँ पर कांग्रेस की सरकार है वहाँ पर जिम्मेदारी नहीं है क्या केंद्र सरकार की? नहीं, केंद्र सरकार की क्यों नहीं जिम्मेदारी है? केंद्र सरकार अपनी जिम्मेदारी से कहाँ हट रही है, कहाँ हट रही है केंद्र सरकार? केंद्र सरकार राज्य सरकार पर तोप रही है, राज्य सरकार केंद्र सरकार पर कह रही है, आरोप लगा रही है कि हमें सहयोग नहीं मिल पा रहा है, और आप अभी कांग्रेस सरकार पर जा रहे हैं कि जहाँ पर कांग्रेस की सरकार है, तो क्या आपका हिस्सा भारत का हिस्सा नहीं है क्या वो राज्य जहाँ पर कांग्रेस की सरकार है? आप सवाल पूछ रहे हैं, मैं जवाब दूंगा तो आप राजनीति की बात कर रहे हैं। आपने कहा तैयारियां क्यों नहीं की, मैं तैयारियां बता रहा हूँ आपको, तो आंकड़े बताऊंगा तभी तो आपको पता लगेगा क्या तैयारियां थी। अब इसमें राजनीति कहां से आ गई? आपने कहा क्या तैयारियां की, मैंने आपको बताया कि ये तैयारियां हमने की, 3 सालों में केवल आई तैयारी ये थी कि वन मंत्री हरक सिंह रावत के रिश्तेदार को किस तरीके से कितनी जद्दोजहद के बाद इलाज मिला है, ये किसी से छिपा नहीं है। हाँ तो इसका भी सुन लीजिए पूजा जी, अगर सिफारिश पे एकदम से उनको जो है बेड मिल जाता, हमारा सब जनता के लिए समान है, चाहे मंत्री जी का बेटा हो चाहे आम जन, हमारे लिए सब बराबर हैं। जिस प्रकार की सुविधा आम जन को मिल रही है उसी प्रकार की सुविधा मंत्री जी के बेटे को मिली। अगर कोई भी आम नागरिक भी आता तो उसको भी पहले ब्रेड दिया जाता, अगर उनको पहले सुविधा मिल जाती किसी और की बजाय, तब यही मीडिया आप ही लोग कहते देखिए मंत्री के भांजे को तो ब्रेड मिल गया लेकिन आम जन को ब्रेड नहीं मिल रहा है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार, सवाल इस बात का नहीं है कि उनके भांजे को ब्रेड मिला या नहीं मिला, सवाल इस बात का है कि जब मंत्री को, प्रदेश में जो मंत्री है,
कैबिनेट मंत्री के रिश्तेदार को जब स्वास्थ्य सुविधाएं मिलने में इतनी जद्दोजहद कर रही है तो आम जनता क्या सोचेगी? वो तो खुद ही इत्था कर के बैठ जाएगी कि हमें तो मिलने से रहा ऑक्सीजन, हमें मिलने से रही स्वास्थ्य सुविधाएं। नहीं नहीं, क्यों नहीं मिलेगी सबको? हम तो घर ऑक्सीजन पहुंचा रही है, हमारी सरकार घर घर सिलेंडर पहुंचाने का काम कर रही है। कुछ लोग घर घर अगर सिलेंडर पहुंचा रहे हैं तो इतनी मौतें क्यों हो रही है पहाड़ में? 44 लोगों की जान गई है आज पिछले 24 घंटे में। महामारी आई है तो अगर महामारी फैली है और उसमें कहीं लापरवाही कोरोना की चपेट में आए हैं, मैंने कहा मृत्यु दर आप देखिए ना विश्व के साथ, हमारे देश का और विश्व का प्रति लाख केवल 13 है, और इसको भी नहीं होना चाहिए। हम तो शून्य पे लाना चाहते हैं इसको। हमारी सरकार इसके लिए काम कर रही है, हमारे डॉक्टर्स दिन रात मेहनत कर रहे हैं, हमारे जो है डॉक्टर्स मेहनत कर रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है नवीन जी, लेकिन सिस्टम कितने मेहनत कर रहा है, सिस्टम क्या कुछ कर रहा है, इस पे जरूर सवाल उठ रहे हैं। सिस्टम सब कुछ कर रहा है, केंद्र की सरकार ने 7 दिन के अंदर अंदर जो है विश्व से ऑक्सीजन की जो कमी थी उसकी पूर्ति कर ली है केंद्र सरकार ने। तो पहले से तैयारी क्यों नहीं थी? आखिर ऑक्सीजन की कमी की वजह से इतने लोगों की जो जाने चली गई, कौन जिम्मेदारी लेगा? ठीक है, आपके पास लौटूंगी मैं। इसी बीच कांग्रेस नेता मथुरादत्त जोशी जी जुड़ गए हैं, बहुत स्वागत है जोशी जी TV100 पर। नमस्कार नमस्कार, धन्यवाद जोशी जी। जिस तरह की स्थिति बनी हुई है, पूरे भारत देश की बात कर ली जाए, प्रदेश उत्तराखंड की बात कर ली जाए, क्या लग रहा है आपको कि सिस्टम बेहतर तरीके से है या और आने वाले दिनों में हालात इसकी वजह से खराब हो जाएंगे? देखिए, बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल सही है। निश्चित रूप से जिस तरीके से पूरे देश में कोरोना संक्रमण के केसेस बढ़ रहे हैं और मृत्यु दर भी बहुत ज्यादा बढ़ रही है और लोग संक्रमित भी हो रहे हैं, अगर सरकार गंभीर होती तो निश्चित रूप से ये स्थिति नहीं होती। और जहाँ तक उत्तराखंड का सवाल है, उत्तराखंड का तो जवाब स्वयं इनके कैबिनेट मंत्री हरक सिंह जी ने दे दिया कि जो अपने भांजे के लिए दर दर भटकते रहे कि मेरे भांजे को एक बिस्तर दीजिए, भांजे को बिस्तर नहीं मिला। उसके बाद कल जो घटना मैक्स अस्पताल में घटित हुई है, स्वयं कैबिनेट मंत्री जी हरक सिंह जी वहाँ उपस्थित थे, वो खुद अव्यवस्थाओं के पर सवाल खड़े कर रहे हैं, तो ये सिद्ध करता है कि कितनी सरकार गंभीर थी। जब कैबिनेट का एक मिनिस्टर जो सीनियर मोस्ट मिनिस्टर हो, जो बहुत ही पावरफुल मिनिस्टर हो, उसके रिश्तेदार को बिस्तर नहीं मिल रहा है, उसके रिश्तेदार का ट्रीटमेंट नहीं हो पा रहा है, तो आप समझ सकते हैं कि आम आदमी की क्या स्थिति इस प्रदेश में होगी, इसका अंदाजा आप स्वयं इस बात से लगा सकते हैं। नवीन जी कह रहे हैं, जोशी जी, नवीन जी कह रहे हैं कि अगर उनके भांजे को आसानी से बिस्तर मुहैया हो जाता तो फिर आप ही लोग सवाल करते हैं कि मंत्री जी के भांजे को तो बिस्तर मिल गया, बेड मिल गया, लेकिन आम जनता को नहीं मिल पा रही है सुविधाएं। ये दिल बहलाने को ख्याल अच्छा है, गाली भी नवीन ठीक कर रहे हैं। अब इनको कहना, इनके लिए कहने के लिए कुछ नहीं है ना। देखिए ना, एक आप खुद ही विचार करिए, कोई आरोप नहीं लगा रहा हूँ मैं कोई इसमें राजनीति नहीं कर रहा हूँ। एक कैबिनेट मिनिस्टर अपने भांजे को गोद में लिए दर दर भटक रहा है और उसको बिस्तर नहीं मिला, 5 अस्पतालों में गए हैं वो, ये सबके सामने है और सारे समाचार पत्रों में छपा है, सारे चैनलों में आया है वो, इसमें कोई राजनीति नहीं हो रही, हम नहीं कह रहे। तो आप समझ सकते हैं कि सरकार कितनी गंभीर है और क्या स्थिति है। स्थिति देखे ना आप, कितने मरीज आ रहे हैं रोज डे बाई डे, जो आंकड़ा आ रहा है उससे कई ज्यादा मरीज प्रदेश में आ रहे हैं, लोग मर रहे हैं, लोगों को बिस्तर नहीं मिल रहा है, लोगों को दवाइयां नहीं मिल रही है, लोगों का ट्रीटमेंट नहीं हो रहा है, परेशान है लोग, स्टाफ भी परेशान है, डॉक्टर्स परेशान है, नर्सिंग स्टाफ परेशान है, वो कैसे व्यवस्थाएं करें? सरकार ने कोई तैयारी नहीं की, सरकार तो मस्त चुनाव लड़ने में मस्ती, भाषणबाजी करने में मस्ती, मुख्यमंत्री बदलने में मस्ती, और बाकी केंद्र की सरकार तो आप देख रहे हैं कि बंगाल और जो 5 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं, सारी सरकार तो बंगाल में झोंक रखी है, आज भी कर रहे हैं। देखिए प्रधानमंत्री जी आसनसोल की मीटिंग में क्या कहते हैं, देखिए इतनी बड़ी मीटिंग में प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि इतनी बड़ी सभा मैंने जीवन में आज तक नहीं देखी। आसनसोल की बात है, 17 तारीख को जब माननीय प्रधानमंत्री सभा को संबोधित कर रहे थे, जब प्रधानमंत्री ये सोच रहे हो तो मुख्यमंत्रियों का क्या कहने। देखिए मुख्यमंत्री तो वैसे ही बेलगाम हो गए, आप उत्तर प्रदेश की देख लीजिए, उत्तराखंड की देख लीजिए, बगल के प्रदेशों की स्थिति देख लीजिए, इतनी भयंकर स्थिति है। मैं तो भाजपा के मित्रों को कहता हूँ कि सत्य स्वीकार करने में कोई दिक्कत नहीं, हाँ कहिए सुधार करेंगे, व्यवस्थाएं करेंगे, समय लगेगा, ये कहने में क्या दिक्कत। ये तो एकदम साफ कहते रहे, बिल्कुल सब सही है, कहीं कोई गलत नहीं है। ये तो एक आप देखिए ऑक्सीजन के मामले में इतनी बड़ी चूक सरकार ने कर दी,
आप देखिए ऑक्सीजन, हवा, पानी जो कहते हैं जीवन के लिए बहुत जरूरी है, पांच तत्वों से तो ये शरीर बना हुआ है। पांच ही तत्व जो महत्वपूर्ण तत्व है हमारे, आप उसी की व्यवस्था सरकार नहीं कर पा रही है तो सरकार को कहाँ नैतिक अधिकार है बोलने का, या सरकार के प्रतिनिधि को नैतिक अधिकार कहाँ है बोलने का? हमारा ठीक हो रहा है। ठीक है नवीन जी, सरकार मुख्यमंत्री बदलने में मस्त थे, देखिए ये आरोप लगाया जा रहा है, तो आपको नहीं लगता जब व्यवस्थाएं दुरुस्त करनी चाहिए थी तब मुख्यमंत्री का चेहरा बदला जा रहा था? देखिए मुख्यमंत्री बदलने से सरकार के कामकाज में फर्क नहीं पड़ा, सरकार के जो भी सेवा के कार्य थे वो सुचारू रूप से चल रहे हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार है। मथुरा जोशी जी, अगर आपने 70 सालों में 10-20 एम्स बनाए होते और अपने नेताओं की मूर्तियों की जगह जो है एक बात का ध्यान रखना मेरे साथ डिबेट करते हो तो तथ्य के आधार पर आना। बिल्कुल 10 साल में कौन सा एम्स बनाया जरा बताओ जरा। मैं बता रहा हूँ भैया, जोशी जी इनकी पोल मैं डिबेट को ड्राइव नहीं करता हूँ, ये बात बिल्कुल गलत बात कर रहे हैं भाजपा के प्रवक्ता, और ये बात है इनको शर्मा से जवाब ले लेती हूँ। ठीक है जोशी जी, मैं उन्हीं से जवाब ले लेती हूँ। ये बताइए नवीन जी, क्या आपकी सरकार एक साल से काम कर रही है? नहीं ना, क्या आपके पास समय नहीं था? आपने कितने मेडिकल कॉलेज खोल दिए, आपने कितनी व्यवस्थाएं कर दी जो आप ये कह रही है, इससे पहले कभी देश में महामारी नहीं आई? मैं बता रहा हूँ ना, सुनिए, जैसे बताना शुरू करता हूँ आप बोल देती है राजनीति है। मैंने बिल्कुल बताइए राजनीति नहीं, मैंने कहा कि आप जवाब दीजिए। आप कहने लगे कि राजनीति घुसा दी इसमें, तो प्रवक्ता राजनीति करेंगे तो राजनीति बोलेंगे ना। राजनीति ने की मैंने केवल आंकड़े गिनाना शुरू किया थे, बिल्कुल आंकड़े गिनाइए आप जी। मैंने कहा था कांग्रेस के शासन काल में 1000 डॉक्टर थे, अगर आपने 1500 भर्ती न करके 2500 न किए होते तो आज हमारे अस्पतालों में डॉक्टर्स ना होते। मैंने कहा कांग्रेस ने केवल 2 एम्स बनाए थे, अगर हमने 22 एम्स ना बनाए होते तो आज हालत क्या हो सकते थे। मैंने कहा कांग्रेस सरकार के शासन काल में अगर ऑक्सीजन के प्लांट लगे होते तो आज ये हाल ना होते। ये तो बदलाव के लिए तो जनता ने आपको चुना था ना? बिल्कुल, तो हम कर रहे हैं ना उस काम को, फिर कांग्रेस राजनीति ऐसे बदलाव कर रहे हैं नवीन जी, ऐसे बदलाव। मेरी बस एक मिनट दीजिए, आपके पास लौट रहे हैं। नवीन जी बात पूरी कीजिए जी। मैं कांग्रेस के माननीय प्रवक्ता से पूछना चाहता हूँ कि आप ये यहाँ पर जो है सिस्टम पे सवाल उठा रहे हैं, इन्होंने अपने समय में डॉक्टर की भर्ती क्यों नहीं की, इन्होंने अपने समय में अस्पतालों को अपग्रेड क्यों नहीं किया? हमने तो 13 के 13 अस्पतालों को आईसीयू में अपग्रेड कर दिया। अगर 13 अस्पतालों में आईसीयू बेड ना होते तो आप सोचिए स्थिति कितनी भयानक हो सकती थी। जिम्मेदारी किसकी है? जिम्मेदारी किसकी है? हमारी जिम्मेदारी है, आपको करना होगा ना। ठीक है नवीन जी, आपके पास लौटेंगे। ठीक है, आप पूरी जिम्मेदारी से कर रहे हैं अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह। देखिए नहीं, ठीक है जोशी जी आपका सवाल। देखिए कितनी बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि सरकार भाजपा चला रही की कांग्रेस चला रही है। बिल्कुल, मैंने देखिए उसका जवाब दे दिया जी। एक बात बताइए, ये कह रहे 13 जिलों में 13 अस्पतालों में आईसीयू खुले। मैं जरा आपको उदाहरण देके कहता हूँ, चंपावत जिले का आईसीयू बंद पड़ा है, चमोली का बंद पड़ा है, पिथौरागढ़ का बंद पड़ा है। अगर मैं झूठ बोला जरा इसकी तकदीक कर लीजिएगा मुझे, फिर जो सजा देंगे आप वो सजा। वो बागेश्वर का बंद पड़ा है, देहरादून के दून मेडिकल कॉलेज की स्थिति क्या है ये हमसे बेहतर आप जानते हैं। मुझे तो ताजुब लग रहा है नवीन ठाकुर जैसा व्यक्ति इतनी गलत बात और एकदम ही नकार दे रहे हैं। अगर 7 साल में 7 साल में 1 भी अस्पताल खुला हो,
आप चलिए मुझे बता दीजिए, मैं आपकी हर बात को, हर सजा को सुनने के लिए तैयार हूँ। 7 साल में मोदी जी की सरकार में एक भी बड़ा अस्पताल खुला, चलो एम्स छोड़ देते हैं, क्यों बताओ कहाँ खुला, हम बनाओ जहाँ पर छोड़ के गए थे। सुन लीजिए नवीन जी, पहले सुन लीजिए, ये कह रहे हैं कि आपने डॉक्टरों की भर्ती नहीं की, 1000 डॉक्टरों की वैकेंसी निकाल के कांग्रेस छोड़ के गई थी और 342 डॉक्टर अब भर्ती कर रहे हैं। अब भर्ती कल 342 डॉक्टर भर्ती, और 5 साल में 342 डॉक्टर भर्ती किए इन्होंने, कद्दू में 3 हो चुकी है तब। बिल्कुल बिल्कुल सरासर झूठ बोल रहे हैं। तो नर्सिंग के सारे पद खाली पड़े हैं, एक भी नर्सिंग में, एक भी नर्स भर्ती नहीं की है। और क्या बात मैं कभी इनके सम्मान में कोई अपशब्द नहीं कहता हूँ। ये जानबूझ के हमको प्रोवोक कराते हैं, हमको बोलने के लिए मजबूर करते हैं, झूठ बोलने के लिए ये लोग चैनलों में आते हैं। कम से कम इनको तो शर्म है नहीं, क्योंकि प्रदेश में क्या हो रहा, प्रदेश जल रहा है। इनका तो किस्सा है कि अब रोम जल रहा था, नीरू बंसी बजा रहा था वाली कहावत को इनके मुख्यमंत्री भी चरितार्थ कर रहे हैं, ये भी चरितार्थ कर रहे हैं, इनके प्रवक्ता भी चरितार्थ कर रहे हैं। अरे सत्य बात को कहने में क्या दिक्कत हो रही है आपको कि हाँ केसेज बढ़ रहे हैं। हम हरिद्वार में कुंभ कराने के लिए, एक तरफ सरकार कहती है हम कुंभ को खत्म कर रहे हैं, दूसरी तरफ साधु संत कहते हैं हम कुंभ कर रहे हैं। आप देखिए क्या स्थिति कुंभ की है, कहाँ से कोरोना फैला उत्तराखंड में, जिसकी वजह से प्रधानमंत्री को बीच में दखल देना पड़ा और कहना पड़ा कि प्रतीकात्मक कीजिए। नवीन जी जवाब दीजिए, आरोप कही है, अगर सच्चाई स्वीकार करें। बात बता देता हूँ, आप चैनलों पर ही जब आदरणीय त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने कहा कि कुंभ को सीमित किया जाएगा, तो इनके प्रवक्ता इस चीज के कह रहे थे ये साधु संतों की सरकार है, साधु संतों की बात को जो है टाला जा रहा है। अरे हम विपक्ष में हैं, हम घुमा रहे हैं, वो सवाल उठाएंगे ना आपको व्यवस्थाओं में, अगर वो सवाल उठा रहे थे तो आपको व्यवस्थाएं सुधारनी थी, जिससे आपकी खींचा लेदर हो, ऐसी बात मत करो नवीन भाई। ठीक है जोशी जी, जोशी जी ठीक है, जोशी जी आएंगे आपके पास। नवीन जी आप अपनी बात पूरी कीजिए जी। अभी मतलब जोशी जी कह रहे थे कांग्रेस के इतने वरिष्ठ प्रवक्ता हैं, बड़े नेता हैं, कि मोदी जी ने कौन से अस्पताल खोले, मोदी जी ने 7 साल में 14 एम्स खोले, 14 उन्होंने कहा तो एम्स को छोड़ दीजिए, उसके बाद बताइए। तो अभी तो अस्पतालों की बात झूठ मत बोलो भाई, कहाँ खोले, बिल्कुल बिल्कुल अटल जी की सरकार कहाँ है, अरे गिरा दूंगा आपको, गिरा दीजिए आप, ठीक है नाम सुन लेते हैं, वो कहाँ का नाम गिरा दीजिए। नवीन जी बताइए, बताइए जवाब दीजिए, ठीक है ठीक है। और आप देखिए हमारे मोदी जी की बात, ये जो इनकी जो खुद की सरकार है ना, महाराष्ट्र का हाल देख लीजिए, देश में 300 आप महाराष्ट्र चले गए, उत्तराखंड की बात क्या आपकी जिम्मेदारी नहीं बनती क्या, महाराष्ट्र क्या भारत से अलग है क्या, जिम्मेदारी के साथ निर्वाह कर रहे हैं, क्या होगा आप महाराष्ट्र बार बार क्यों चले जा रहे हैं, आप कम से कम एक प्रदेश की बात कर लीजिए, उत्तराखंड की बात कर लीजिए, स्थिति क्या बनी हुई है, बार बार महाराष्ट्र चले जाने से सच्चाई को नहीं छिपाया जा सकता। नवीन जी आप कमाल करती हैं, जब ये बोल रहे हैं कि बाकी प्रदेशों के लिए तुलना कर लीजिए तो मैं उसका जवाब दे लूं, नहीं बिल्कुल जवाब दीजिए, लेकिन बार बार सिर्फ ये कहने से महाराष्ट्र चले जाने से, देखिए महाराष्ट्र भी भारत का हिस्सा है और केंद्र में आपकी सरकार है तो आपको जिम्मेदारी लेनी होगी। हम चले ठीक है, पूरी जिम्मेदारी के साथ काम, उम्मीद करते हैं कि आप अपनी जिम्मेदारियों को समझेंगे और व्यवस्थाओं को बहुत दुरुस्त करेंगे। चले ठीक है, बहुत शुक्रिया आप दोनों का चर्चा में शामिल होने के लिए, माफ कीजिएगा इतना ही समय है, इतना ही देता है समय, लेकिन लगातार सवाल इस बात का है कि आखिर जिम्मेदारी कौन लेगा, कब लेगा और कैसे लेगा, क्योंकि इस सवाल के साथ आपको छोड़ रहे हैं, स्थिति बहुत ज्यादा कोरोना की वजह से खराब हो चुकी है। इसी के साथ हमारे इस खास कार्यक्रम में सिर्फ इतना ही, बने रहिए टीवी 100 के साथ, नमस्कार।